24 hours on talent. खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। हुई। पापा। हुई। मरा मेरा। हेलो फ्रेंड्स, गाइस आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हम करने वाले हैं हमारा फेवरेट चैलेंज। गाइस आज हम कर रहे हैं 24 आवर्स ऑन टैलेंट। गाइस बहुत ही फन और बहुत ही मजा आने वाला है। आज हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको सीधा लेके जाएंगे हमारी टेरेस पे। हमने टेरेस पूरी नई बना दी है, आप हमारे व्लॉग्स वाले चैनल पे देख ही चुके होंगे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा चैलेंज। खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। ओके पूरा धावा बोल दो यार। तो अभी हम, ये मेरी सीट है ओके, इधर मैं अपना सारा कुछ सेट कर रही हूं। ठीक है भाई, ये शनाया की सीट फाइनल है। यहां बैठ के ना 360 व्यू आता है, सो दिस इज द बेस्ट प्लेस। तो गाइस आप रूल्स चैलेंज के बहुत सिंपल हैं। आपने हमारी रूफ तो देख ही ली है, पूरा जबरदस्त हमने यहाँ पे पूरा सेटल कर दिया, पूरा नए सोफे लगा दिए गाइस। तो अब जैसे कि हमें आपको सिंपल से रूल्स हैं यार, हम लोग टेरेस पे ही रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं पूरे नेक्स्ट 24 आवर्स। ये हमारा टेंट है जो कि अभी पूरा बड़ा सा बन जाएगा जब हम रात को सोएंगे, और वॉशरूम जा सकते हैं एज सिंपल एज दैट, क्योंकि वॉशरूम की कोई पाबंदी नहीं है। अब लेट्स स्टार्ट सम एक्टिविटीज और लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। चलो 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 गाइस लेट्स प्ले समथिंग। क्या हुआ नान्या, आप यहाँ क्यों बैठे हो? देखो हम सारे प्ले कर रहे हैं, आओ ना आप भी खेलो। मम्मा मेरा चैलेंज करने का मन नहीं कर रहा। क्या हो गया बेटा, आप तो हर बार इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो। मम्मा मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, मेरा मैथ्स का टेस्ट है और मेरे को बहुत सारे डाउट्स हैं, और वीकेंड्स पे तो स्कूल भी नहीं होता, अब मैं क्या करूं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बिल्कुल टेंशन मत लो, इन सब के लिए बायजूस क्लासेस है ना। ओह आपका मतलब ऑनलाइन क्लासेस? यस बेटा, अब आप इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ना और अपने सारे डाउट्स भी क्लियर करना। और आपको पता है आपको स्कूल के सिलेबस के साथ पढ़ाया जाएगा, और हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी सिर्फ। रियली मम्मा, इट इज सो फ्लेक्सिबल, नो ट्रैवल, घर बैठे ही पढ़ाई। यस बेटा। मम्मा अगर किसी दिन क्लास मिस हो गई तो क्या करेंगे? बेटा आप संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेना। और मम्मा मेरे डाउट्स? तो बेटा उसके लिए आपको मिलेंगे क्लास में पर्सनल टीचर्स जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। पर मम्मा अगर रिवीजन टाइम में फिर से डाउट हो तो? हाँ बेटा जी, बायजूस को पता है कि हर बच्चे के पास डाउट्स का पिटारा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर होती है पर्सनलाइज एक्स्ट्रा क्लास, जिसमें आप उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ सकते हो। तो इसके बाद तो कोई और डाउट नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं। तो बेटा इसके बाद भी अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, क्योंकि उसके लिए आपको मिलेंगे मेंटर्स जो आपके फ्रेंड्स की तरह होंगे। थैंक यू सो मच मम्मा, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मम्मा अब मैं टेंशन फ्री होके खेल सकती हूँ। मुझे भी खेलना है। हमारे फर्स्ट टास्क का, तो देखते हैं कौन जीतेगा आज। हम जैसे हम टेरेस पे आए हुए हैं तो हमने यहाँ पे सोचा है हम एरोप्लेन्स बनाएंगे, तो गाइस जिसका प्लेन सबसे दूर जाएगा वो जीतेगा। और गाइस आप कमेंट करके ये बताना कि आपने कभी वो एरोप्लेन बनाए हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना आप एरोप्लेन बनाते हो, रॉकेट बनाते हो या बोट बनाते हो। तो लेट्स स्टार्ट द टास्क, देखते हैं कौन जीतता है आज। गाइस ये सारे हमारे वेस्ट पेपर्स हैं जिनको हम रख लेते हैं, कोई एक्टिविटी करने के काम आ जाते हैं, सो प्लीज डोंट वेस्ट पेपर। गाइस सबसे पहले मेरा प्लेन बना है, ये देखो। ये। किसी को भी नहीं आता भैया, सारे प्लेन मैं बना रहा हूँ। मेरा मुझे को बॉडीज जैसे उड़ रही है ना। मेरा देखो। चलो
चलो मेरा भी तैयार हो गया, मेरा भी तैयार हो गया। पापा, one page for me. ये होते हैं गाइस, आपने देखा होगा अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ये होते हैं ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स। ये रैकेट मैं साथ में लाई हूँ। ये होते हैं गाइस वो वाले बच्चे जो चीटिंग करने बैठे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि चीटिंग करनी क्या है, पर चीटिंग करनी है वो मेरा हो गया, मेरा मैडम मेरा हो गया। गाइस इसके साइज के हिसाब से जो एरोप्लेन बना है मुझे लग रहा है ये साथ में ही ना उड़ जाए। ये चीटिंग हमारा, इन्होंने एम ही बना दिया है और यहाँ देखो अपनी दवाई जा रहे हैं थूक लगा लगा कर। गाइस गाइस इन्होंने मेरे साथ ओवर स्मार्ट प्ले किया है, इन्होंने नॉर्मल मेरा प्लेन सबने ले लिया तो मैंने अपना फाइटर प्लेन बनाया, मतलब जो बहुत दूर जाएगा फाइटर प्लेन बनाया मैंने, ये फाइटर रहेगा। A few inches later. Okay friends, तो मेरा ये तैयार है एरोप्लेन, तो आई एम रेडी, 1 2 3। ए गाइस क्रैश हो गया, चल ध्यान, 1 2 3। ये मुकर गया यार, 1 2 3। लाने आ जाओ, ढूंढ रहे पापा वाला, मतलब मेरा हट जाओ, अब मेरी बारी है, हट जाओ। कहीं ये साथ में उड़ जाए तो आप अपने आप को बचाना, चलो चलो सियान की बारी, वेरी गुड वेरी गुड, चलो आ जाओ सियान, 3 2 1 गो। ओ भाई, ओ भाई फाइटर। फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस जैसे कि आपने देखा ये था हमारा एरोप्लेन टास्क जिसके कि क्लियर विनर है सियान। मेनी अनबेरेबल आवर्स लेटर, तो गाइस अब हम खेलने वाले मेमोरी चैलेंज, उसमें हम एक टॉपिक लेते हैं सपोज बर्ड्स, तो सपोज मैंने बोला क्रो, इसने बोला स्पैरो, तो अब ये बोलेगी क्रो स्पैरो और मैं बोलूंगी क्रो स्पैरो पैरट। हाँ जी, मुझे तो इतनी बर्ड्स के नाम ही नहीं आते, बर्ड्स की जगह ना आप नेम्स का कर लो, नेम्स। नहीं नहीं, नेम्स तो बड़े इजी हो जाएंगे, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ भाई। चलो चलो चलो, लेट्स स्टार्ट। गाड़ियाँ, कलर्स, कलर्स, चिड़िया यही खेलते, चलो स्टार्ट। ठीक है, कौन स्टार्ट करेगा? मैं। पुगाई कर लो, पुगाई पुगाई पुगाई। ओए सियान विनर, सियान विनर, सियान विनर, क्या है भाई ये, ऐसा क्या होता है? नहीं सियान विनर है, तो सबसे पहले तूने बर्ड बोलनी है, कौन सी बोलेगा? 1 2 3 स्टार्ट। चील, चील, चलो चील स्पैरो, चील स्पैरो पैरेट, चील स्पैरो पैरेट क्रो, चील स्पैरो पैरेट क्रो और काली चील, चलो व्हाट डू यू मीन काली चील? ठीक है यार मुझे इतना ही आता है, चलो चलो स्टार्ट, तेरी बारी है। मैं हां कहता मैं इसको अपना याद नहीं, अच्छा याद है, स्पैरो, यस, चलो ऑप्शन आया, टील स्पैरो पैरेट क्रो काली चील एंड वुडपेकर, चील स्पैरो पैरेट, वही वही वही, बू खत्म, चलो तेरी बारी, चलो आउट, नाने आउट, चलो मैं बताती हूँ, चील सॉरी चील आउट, मैं कर रही हूँ, रुको मैं कर रही हूँ, चील स्पैरो पैरेट क्रो काली चील वुडपेकर सफेद चील। गंदा कौआ, चील स्पैरो पैरेट क्रो काली चील, अपना ही भूल गई, वुडपेकर याद आ गया, वुडपेकर सफेद चील, गंदा क्रो, क्या अपना बोलो, सफेद कौआ,
सफेद तो वो तो हो गया तो सफेद चील थी सफेद तो हुआ ये खत्म ना होगा चलो 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 तेरी बारी और सुन लो मेरी बात गेम फास्ट होगी बिकॉज हमें गेम को रिजल्ट पे लेके आना है स्टार्ट चील स्पैरो पैरट क्रो काली चील वुडपेकर सफेद चील गंदा कौवा सफेद कौवा गंदा कौवा सफेद चील यार एक तो पता नहीं साला कंफ्यूज कर दिया सफेद कौवा सफेद चील मतलब दिमाग खराब कर दिया यार नहीं खाता हो सकता हो सकता है तो गाइस इस राउंड की विनर है हमारी शनाया तो गाइस अब बहुत हो गया टास्क यार तो गाइस अब आपने देखा है अंधेरा भी हो रहा है तो अब हम 10-15 मिनट रेस्ट करते हैं A few inches later. तो गाइज अब बहुत रेस्ट हो गया है यार अभी हम इवनिंग हो गई है जैसे कि आपको पता ही हमने चैलेंज शुरू किया था हमारे लंच के बाद तो अब रात हो गई है अंधेरा होने वाला है यहाँ पर और आपको पता है दिल्ली में बहुत ठंड है यार मतलब आई डोंट नो इतनी ठंड है नहीं बट धीरे धीरे ये ना रात को ठंड बढ़ जाती है तो हम लोग फुल स्लीव्स पहन के आए हैं ये कंबल भी लेकर आए हैं तो अब भूख लग रही है तो पुनीत क्या है स्नैक्स में अपने चिप्स ठंड लग रही है सब बच्चों को तो बेटर यही है कि अगर ठंड से बचना है तो कुछ खेलते हैं अदरवाइज अगर ठंड लगेगी तो ये हमारा तो बैंड बजने वाला है अभी खेलते हैं और फिर हम अपना टेंट लगाते हैं और अपनी रात की सोने की तैयारी करते हैं और उससे पहले भूलना मत कि हमने डिनर भी करना है ओके तो गाइस गेम बताओ कौन सी खेलेंगे गेम कुछ ना कुछ खेलते हैं सबसे पहले कुछ बॉडी गर्म हो पकड़ पकड़े खेलते हैं तो कौन टेन दे रहा है अनान्या अनान्या की टेन है पकड़ भाई हमें रन यार कहाँ पे भागे यहाँ जगह ही नहीं है चलो ये है कि कुछ थोड़ी गर्मी तो आई है मुझे बहुत ठंड लग रही है कल तक तो इतनी ठंड नहीं थी ये कोई बात है यार बहुत ठंड होगी है भाइयों आज ना हवा चल रही है आई थिंक वी चोज अ रॉन्ग डे इज इट मुझे तो नींद भी आ रही है मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आ रही है भाई मेरा तो कुछ मन नहीं कर रहा अब तो मेरे को कुछ खेलने का मन नहीं कर रहा माफी ये नॉर्मल छींक थी कोई गलत ना समझे ठंड लग रही है इसलिए ये ठंड लग रही है ये इसलिए छींक आई है गाइस खाना खाएं यस भूख लग रही है लेट्स हैव डिनर गरम होगा ना तो आप सारा खा लोगे वो देखो मेरे को एक बाइट भी नहीं लेने दिया किसी ने भी लगाने के लिए मुझे ये जगह खाली करनी पड़ेगी गाइस अब हम सोने का जुगाड़ कर रहे हैं बहुत ठंड है धुएं निकल रहे हैं हमारे अब मैं भी पापा जैसे फुल टाइट हो गई फुल टाइट हो गई है शनाया और डिनर के बाद yes. ये हमारा टेंट गाइस
फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे अब पूरा बिस्तरा सेट हो गया है, हमारे मुंह से भी धुएं निकल रहे हैं। गाइस ठंड बहुत है, एक ही कंबल लेकर आए हैं हम, बाकी सारे कंबल अभी हमारे अटैचियों में पड़े हैं। अभी हम नीचे अपने फ्लोर पे, इतनी ठंड नहीं है, छत पे बहुत ठंड है यार, पता नहीं कैसे है। बट टुडे इट्स वेरी चिली यार। चलो एनीवेज, अगर टाइम आप यही ठंड ठंड सोचते रहोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी भाई ऐसा करो, फटाफट से सोने की करो यार, अगर सोओगे नहीं अभी तो फिर सुबह बैंड बज जाएगा। अरे यहाँ जब मॉर्निंग होगी ना तो तुम सारे बोलोगे मम्मा सोने दो सोने दो। अरे तो अभी तभी तो कह रहा हूँ, सुबह सूरज निकल जाएगा, हम सबको उठना ही पड़ेगा, अभी टाइम से सो जाते हैं। सो जा, सो चलो गाइस। मेरे को कंबल ही नहीं मिल रहा है, सब कोजी कोजी होकर सोएंगे, मजा आएगा। Moments later. What is this man? एक कंबल है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम लोग मुझे tickling करोगे। किसने करी मुझे tickling? मैं करी हूँ सबको tickling। मैं नानी को मैं कर रही हूँ। यार ये सोने नहीं देंगे guys. Good night guys. सुबह मिलते हैं। Good night everyone. 3:28 a.m. यार मेरे तो हाथ बुनी, हेलो ये सियान कांप रहा है पुनीत। सियान को ठंड लग रही है, कांप रहा है वो, कांप पे जा रहा है ये भी हिल रही है बहुत ज्यादा। पुनीत कोई फायदा नहीं है, ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, इसको कांप रहा है, मेरे को भी बहुत ठंड लग रही है। ठंड तो है यार, हमने क्या करें, ये चैलेंज हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे यार, सबको ठंड लग रही है, मेरा खुद का बुरा हाल हो रखा है, ये पतला सा कंबल है इससे क्या होगा, कोई फायदा नहीं है यार। गाइस बहुत ठंड है यार, हमारे तो धुएं निकल गए हैं यार, ये गाइस हम तो बच्चों को उठा रहे हैं नीचे लेके जा रहे हैं, नहीं हो पाएगा यार, ये बहुत ठंडा है, फ़ायदा नहीं है, आपको पता ही है आजकल वैसे भी टाइम नहीं है कि तबीयत ख़राब करो, तो हम रिस्क नहीं ले सकते यार, हमें आइडिया नहीं था इतनी ठंड होगी, नहीं तो हम जुगाड़ से आते या चैलेंज ही ना शुरू करते ये। बट एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमने बहुत कोशिश करी, हम नेक्स्ट टाइम बेटर प्रिपेयर्ड आएंगे और तरीके से, और इसको बेटर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अब हम बच्चों को उठा रहे हैं नीचे लेके जा रहे हैं गाइज, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमने बहुत कोशिश करी है वीडियो को अच्छा बनाने की और चैलेंज पूरा करने की, तो अगर आपको लगे तो यार एक बार हिट लाइक ज़रूर करना, आपका हिट लाइक हमारी हिम्मत बढ़ाता है यार। बाय, गुड नाइट गाइस। हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे वीडियो हो चुका है लाइव, अमंग अस इन रियल लाइफ पार्ट 3। इस बार मैं जीती हूँ, मैं जीता हूँ, नहीं मैं जीती हूँ, मैं जीती हूँ। गाइस जानने के लिए कौन जीता है, क्लिक हियर।